हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकेंड T20I मैच खेला जाएगा 11:40 पे। इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्रिडिक्शन लेके आया हूँ, खास करके कि जो पिच है ना वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो कौन सा बैट्समैन को अपनी टीम में रखना चाहिए, क्या फिन एलन को ड्रॉप आज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वार्नर चलेगा नहीं चलेगा, मिचेल मार्क्स चलेगा नहीं चलेगा, और मैक्सवेल जो पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाया था, क्या आज कैप्टन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर मेरे टीम से खेलना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। जैसे टैप करोगे, क्लिक करोगे, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैच खेला जाएगा ईडन पार्क ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ये मैच खेला जाएगा। और आपको बता दूं एकदम प्योरली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा अच्छे खासे रन बने थे और बैट्समैन ही अच्छा किया था, बॉलर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता यहाँ पे। तो बैट्समैन को अपनी टीम में ज़्यादातर रखना है और आज मैक्सवेल का भी बल्ला देखने को मिल सकता है। 24 मैच में अगर देखोगे सेकंड बैटिंग करने वाला 12 बार, फर्स्ट बैटिंग करने वाला 10 बार जीता है और अच्छे खासे यहाँ पे रन बनते हुए दिखाई दिया है। 3 मैच का अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने 226 रन का पारी खेला था, 8 विकेट गिरा था और पाकिस्तान का 10 विकेट गिरा था। इधर से बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा विकेट नहीं गिरा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड ने 140 रन बनाया था, 4 विकेट गिरा था, ठीक है। तो पेसर्स वर्सेस स्पिनर में पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलता है, स्पिनर को उतने विकेट नहीं मिलते यहाँ पे, लेकिन बैट्समैन ज़्यादा अच्छा करता है, उसके बाद फास्ट बॉलर को रखना है, ये दो प्लेयर को आपको ज़्यादा रखना है। अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखोगे मैच तो कैसा रहा था, न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे 215 रन का पारी खेला था जिसमें कि फेन एलन 32 रन का पारी खेला, कॉनवे 63 रन का पारी खेला और रचिन रविंद्र सिर्फ 35 बॉल पे 68 रन का पारी खेला था, बहुत लंबे लंबे छक्का चौका लगाया था भाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप देखोगे ट्रेविस हेड 24 रन बनाकर आउट हो गया था, डेविड वार्नर 32, मिचेल मार्क्स 72 रन का पारी खेला था और 25 रन बनाया था ग्लेन मैक्सवेल ने। मिचेल मार्क्स ने एक विकेट लिया था, स्टार्क ने एक विकेट लिया था, पैट कमिंस ने एक विकेट लिया था, इधर से सेंटनर ने 2 विकेट लिया था, तो विकेट ज़्यादा गिरे नहीं थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे विकेट बहुत कम गिरा है, बैट्समैन ज़्यादा अच्छा किया है। ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था 6 विकेट से। और देखो प्लेइंग 11 में ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, सेम प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा, वही प्लेइंग 11 होगा, इसमें ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे, आगे हम लोग स्टैट्स पे बात करते हैं, ठीक है। अगर आज बात करते हैं तो एक ऐसा प्लेयर है जिनका थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा है और आज शायद खेलते हुए दिखाई देगा, ट्रेंट बोल्ट, जो आज हो सकता है कि विकेट लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलर है, सामने में राइट ही भरा पड़ा है सिर्फ वार्नर को छोड़ के, ठीक है। तो आज ट्रेंट बोल्ट हो सकता है कि आज इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, अगर पहले बैटिंग किया न्यूजीलैंड तो फिर से फिन एलन को अपनी टीम में रखेंगे, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 37 का एवरेज, इस मेन्यू पर 52 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेविन कॉनवे की बात करते हैं, फॉर्म निकल के आया लेकिन इस मेन्यू पे डेविन कॉनवे का रिकॉर्ड बहुत खराब है, हो सकता है कि आज आप रिस्क ले सकते हो, तो अगर आज फ्लॉप होगा तो कॉनवे फ्लॉप हो सकता है, आप कॉनवे पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। मैं हो सकता हूँ कि रिस्क ले भी लूँ कॉनवे पे, बट फिलहाल स्मॉल लीग टीम में लेके जा रहा हूँ अभी हेड टू हेड में, 4 मेंबर में हो सकता है कि मैं रिस्क ले लूँ, ठीक है। रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेता है और खतरनाक बैटिंग करता है, 68 रन बनाया था पिछले मैच में, इंपॉर्टेंट है। फ्लिप्स की बात करते हैं, अगर पहले बैटिंग किया तो बैटिंग आ सकता है, वरना बैटिंग आने का बहुत कम चांस है। मार्क चैपमैन की बात करते हैं, अच्छा ग्लेन फ्लिप्स के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्लेन फ्लिप्स अगर देखोगे ना, लास्ट मैच 19 रन बनाया था 70, तो हिटर है, हिटर मिस प्लेयर है, मतलब बहुत तेजी से रन बनाते हैं, लेकिन टीम कौन है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब दिग्गज टीम है, दोनों दिग्गज टीम है, तो उसके अगेंस्ट में ग्लेन फ्लिप्स ज़्यादा नहीं चल पाएगा। यही अगर पाकिस्तान होता या जिम्बाब्वे होता, अफगानिस्तान होता, श्रीलंका होता, फिर फ्लिप्स भाई बैंड बजाता। मार्क चैपमैन की बात करते हैं, मार्क चैपमैन अगर देखोगे लास्ट मैच 18 रन का पारी खेला था, 20 का एवरेज है, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के फेवर में टीम बना रहे हो तो फिर मार्क चैपमैन के साथ जरूर जाना, वरना आप ड्रॉप कर सकते हो। कलेक्शन की बात करते हैं तो कुछ नहीं कर पाता पिछले मैच में, इसके लिए यूजलेस प्लेयर है। मिचेल सेंटनर की बात करते हैं तो ये आपको बैटिंग से भी बैकअप देके जाएंगे, साथ में बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, 12 मैच में 9 विकेट लिया है, लेकिन स्पिनर को उतना हेल्प मिलते नहीं है। एडम मालने की बात करते हैं, 5 मैच में 10 विकेट लिया, इस वेन्यू पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है एडम का, बहुत शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में बहुत उतना ही खराब रिकॉर्ड है, 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है।
तो इस वेन्यू पे काफी एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए आप मिलने को जीएल में ट्राई करके जाना। बात करते हैं यहां पे आईसोडी, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, स्पिनर तो उन्हें चलते नहीं है ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड बढ़िया ऑस्ट्रेलिया का, कैसे 11 मैच में 14 विकेट, 11 मैच में 11 विकेट लिया है। बाकी ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच में, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, 7 मैच में 6 विकेट लिया, 10 मैच में 14 विकेट लिया है। लोकी फर्गुसन 4 मैच में 10 विकेट लिया है इस वेन्यू पे, लोकी फर्गुसन हर मैच में विकेट लेके जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कौन कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, आप किसको ड्रॉप कर सकते हो, एक तो ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गुसन को अपनी टीम में जरूर रखना, आईसोडी को ड्रॉप कर सकते हो, इधर से एडम मिलने, जॉस क्लार्क, मिचेल सैंडन और चैपमैन, ये स्लाइड पूरे आप ड्रॉप कर सकते हो। इधर से बात करते हैं तो आप फ्लिप्स को ड्रॉप करके तो ये तीनों को ले सकते हो अपनी टीम में। बाकी विल यंग और बेन सिरस की बात करते हैं, जो बेन सिरस का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, विल यंग हीटर बैट्समैन है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं ट्रेविस सेठ, भाई इंडिया को हराने वाला यही एक प्लेयर था ट्रेविस सेठ, जिसने पूरे इंडिया को रुलाया था। ट्रेविस सेठ ODI में बहुत अच्छा खेलता, शानदार खेलता, T20I में भी एवरेज रिकॉर्ड है अच्छा है, 24 का एवरेज रिकॉर्ड है, तो टीम में लेके चल रहा हूँ मैं इसको। वार्नर की बात करते हैं तो वार्नर भाई खड़े खड़े छक्का चौका मारता है, लेकिन प्लेयर बहुत जल्दी फ्लॉप भी होता है, कई मैचों में फ्लॉप भी होते हैं, कई मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो स्मॉल लीग टीम में लेके चलते हैं। मिचेल मार्क्स की बात करते हैं, पिछले मैच में बॉलिंग भी करते हुए दिखाई दिया और शानदार बैटिंग भी किया, पूरा दुनिया इसके पीछे पागल हो गया, कैप्टन बना रहा है। लेकिन आपको बता दूं कैप्टन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मिचेल मार्क्स को टीम में रखो, वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो बना सकते हो, 32 का एवरेज है, 2 विकेट लिया है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में उतने खास रिकॉर्ड है नहीं। आज मैक्सवेल को बना सकते हो कैप्टन, जो कि 25 रन का लास्ट मैच पारी खेला था, 4 विकेट लिया 12 मैच में, 2 मैच में ठीक है 51 रन बनाया है, तो मैक्सवेल एक ठीक ठाक कैप्टन रहेगा। जॉस इंग्लिश आज अच्छा बैटिंग कर लेगा, 20 का एवरेज है, जॉस इंग्लिश का आज बैटिंग कन्फर्म आएगा, जीएल में ट्राई करके चलना मेगा कॉन्टेस्ट में। टीम डेविड की बात करते हैं, पहले बैटिंग किया तो ड्रीम टीम में आएगा, सेकंड बैटिंग में फ्लॉप रहेगा। मैथ्यू शॉर्ट की बात करते हैं, मैथ्यू शॉर्ट अगर आप देखोगे तो उतने खास परफॉर्मेंस है नहीं ठीक है। और पैट कमिंग्स की बात करते हैं, जो कि 3 मैच में 1 विकेट लिया है। मिचेल स्टार्क इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच में, स्टार्क तो विकेट लेता ही लेता है, न्यूजीलैंड के कस में 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है इस वेन्यू पे। और एडम जंपा की बात करते हैं, जंपा 10 मैच में 7 विकेट लिया है। जॉस हेजलवुड का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, 3 मैच में 5 विकेट लिया, तो यहाँ पे हम मिचेल स्टार्क के साथ जाना चाहेंगे। नाथन एलिस अगर खेलेगा तो कन्फर्म रहेगा मेरे टीम में, इंपॉर्टेंट बॉलर है। स्मिथ की बात करते हैं, स्पेंसर जॉनसन की बात करते हैं, स्पेंसर जॉनसन न्यू प्लेयर है और खेल चुका है, सनी इंटरनेशनल में खेल चुका है और अच्छा रिकॉर्ड भी है, जो कि लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है। बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल, प्लेयर बैटल में कॉनवे को जंपा ने 3 बार आउट किया है, फ्लिप्स को हेजलवुड ने 2 बार, मिचेल सैंडर को स्टार्क ने, एडम जंपा ने और मैक्सवेल ने 2-2, 3-3 बार आउट किया है, डेविड वार्नर को ट्रेंट बोल्ट ने 5 बार आउट किया है, लुकी फर्गुसन ने 3 बार और ट्रेविस सेठ को ट्रेंट बोल्ट ने 3 बार आउट किया है। मिचेल मार्क्स को सेंटनर ने 2 बार, आईसोडी ने 2 बार आउट किया, मैक्सवेल को आईसोडी और ट्रेंट बोल्ट ने 9 बार आउट किया। ट्रेंट बोल्ट ने मैक्सवेल को बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा, 9 बार आउट किया। चलिए फाइनल टीम की बात करते हैं, तो आप देखो आपके सामने टीम है जिसमें ड्वेन कॉनवे मेरे टीम में है, फिन एलन है मेरे टीम में, उसके बाद इधर से ट्रेविस सेठ है, वार्नर है, मिचेल मार्क्स है, मैक्सवेल है, सेंटनर है, रचित रविंद्र है, लोकी फर्गुसन है, पैट कमिंग्स है, मिचेल स्टार्क है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो जिनमें पैट कमिंग्स का रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं है, पिछले मैच में भले विकेट ले लिया था, उसके जगह ट्रेंट बोल्ट अगर खेला तो ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको अपनी टीम में लेके चलो ठीक है। यहाँ पे एक ये प्लेयर चेंज कर सकते हो, इधर से आप किसको चेंज कर सकते हो आपको बताता हूँ। लोकी फर्गुसन को तो मैंने अपनी टीम में रख लिया है। देखो यहाँ पे वार्नर, मिचेल मार्क्स सही है, मैक्सवेल सही है, रचिन रविंद्र सही है, सेंटनर और ये कॉनवे तो खैर कुछ बड़ा रिस्क हो जाएगा, स्मॉल लीग में रखो, कैप्टन मत बनाना ठीक है। सेंटनर को ड्रॉप करके हम क्या कर सकते हैं, फिनलन को रखें, हाँ रखें, सेंटनर को ड्रॉप करके हम जॉस इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, जॉस इंग्लिश या तो ग्लेन फ्लिप्स ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को हम सेंटर के जगह रख सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पीछे रन अच्छा खासा बनता है यहाँ पे, तो ये आप एक चेंजेस कर सकते हो। कैप्टन मैंने बनाया रचिन रविंद्र, वाइस कैप्टन मैक्सवेल बनाया है, लोगों का कैप्टन मिचेल मार्क्स है क्योंकि बॉलिंग भी पिछले मैच में किया था, बैटिंग लगभग 70-72 रन का पारी खेला था, तो अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो फिर से कैप्टन तो जा सकते हो, यो चॉइस। बाकी कोई भी चेंजेस होगा फाइनल टीम में टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके
दे दूंगा, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।